हेलो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डीसी पावर सप्लाई। आज हम इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे काम करती है। तो बेसिकली इसमें एक डिजिटल वोल्ट एम्पियर मीटर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। एंड सेकंड, इसमें वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए दो नॉब्स दे रखी हैं एंड कंट्रोल करंट को कंट्रोल करने के लिए दो नॉब्स यहाँ दे रखी हैं। एंड नीचे इसके क्या है, ये दोनों पॉइंट वेरिएबल आउटपुट्स के लिए हैं, जो कि 1.2 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट या जितनी भी इनपुट इसकी है वहाँ तक वेरी करता है। वोल्टेज को वेरी करने के लिए हम इन दोनों नॉब का यूज़ करेंगे। सेकंड, इसमें एक यूएसबी स्लॉट दे रखा है जिसको हम फ़ोन चार्जिंग के लिए या फिर 5 वोल्ट डीसी यूज़ करनी हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें 5 वोल्ट डीसी के लिए स्लॉट दे रखा है एंड इसको हम जैसे कोई भी सर्किट बनाते हैं तो आईसी क्या है कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, उसी के लिए हमने इसे अलग से 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक दो टर्मिनल दे दिए ताकि हम वेरिएबल को अलग यूज़ कर सकें और 5 वोल्ट आईसी के लिए यहाँ से अलग से ले सकें। क्योंकि जैसे हमें कोई ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें आईसी 5 वोल्ट पे चलती है और मोटर को चलाने के लिए 24 वोल्ट चाहिए, तो हम यहाँ से वेरी करके 24 वोल्ट ले लेंगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और फ़ोन चार्जिंग के लिए तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे लगा ही सकते हैं यूएसबी के लिए, पर यहाँ से मैं आपको एक मोटर को वेरी करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक हीट सिंक एंड फैन पड़ा हुआ है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैं इस वोल्टेज को वेरी इस नॉब से कर सकता हूँ। आप देखोगे कि जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ उधर से वोल्टेज भी अप एंड डाउन हो रही है। अब आप पूछोगे कि ये दो क्यों दे रखे हैं, तो ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए है। ऊपर वाला आप देख रहे थे, मैं हिला रहा था तो पॉइंट्स में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब 2.1 2.3 ऐसे करके। ये देखिए, और जो नीचे वाली नॉब है ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए, नीचे वाली नॉब है वोल्टेज जंप करती है, देखो बहुत ज़्यादा। तो आपको फाइन एडजस्टमेंट चाहिए तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी ये एक हीट सिंक एंड फैन पड़ा है जिसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 24 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे 24 वोल्ट सेट करना चाहूँगा। देखिए 23.98 आ गया, मेरे को 24 करना है, तो ऊपर वाला मूव करके 24 कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ा पॉइंट सी का ही फ़र्क है। ये देखिए 24 आ गया, और ये नीचे वाले 0.0 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस पर लोड नहीं लगा हुआ है। मैंने इस फैन की दो तारों को, ये स्पीड वेरिएशन वाला फ़ैन है लेकिन मैं इसको रेड एंड ब्लैक वाली वायर यूज़ करके इसको कांस्टेंट स्पीड पे भी चला सकता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें दो ये बनाना कनेक्टर दिए गए हैं। ये ब्लैक वाले को मैं नेगेटिव पे लगाऊंगा एंड ये रेड वाले को मैं पॉजिटिव पे लगाऊंगा। ये दोनों तारें पीछे से होके वापस आ रही हैं जिस पे एलिगेटर क्लिप पे लगते हुए दोनों की, और ये फ़ैन की वायर के साथ अटैच हो रही है। और जैसे मैं इसको लगा देता हूँ आप देख सकते हैं कि फ़ैन ऑन हो जाएगा। फ़ैन ऑन हो चुका है, उसके साथ ही आप देखिए कि उसमें करंट की वैल्यू भी आ गई है, लेकिन जैसे मैं इसको निकालता हूँ करंट भी ज़ीरो हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोड लगाते हैं किसी चीज़ पे तो वोल्टेज का भी थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है। अब देखेंगे, पहले 24 थी, अब 23.4 हो गई है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से वेरी करूँगा आप फैन की स्पीड को भी देख सकते हैं वेरी हो रही है। देखिए जैसे मैंने वोल्टेज डाउन किया तो करंट भी डाउन हो रहा है।
करंट ज़ीरो, फ़ैन बंद, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट है, उसको सफिशेंट वोल्टेज नहीं मिल रही है जिसके कारण कि वो चल नहीं रहा है। अब हम दोबारा उसको 24 पे लेके आएंगे। देखिए 23 पे आ गई है, अभी ये लोड अटैच है इसलिए पूरी वोल्टेज नहीं दिखा रहा। आप देख सकते हैं ये एक सीपीयू फैन है। जैसे मैं वहाँ से वोल्टेज कम करता हूँ तो इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। देखिए ज़ीरो हो गई है। मैं किसी और वीडियो में ये डीसी पावर सप्लाई बनाने के लिए भी बताऊंगा कैसे बनती है, क्योंकि मैंने अपने आप बनाई है सर्किट वगैरह का यूज़ करके। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।